हाय, मैं हूँ अर्पिता और आज दिन है संडे, होपफुली 19th। और ये देखिए मेरे साथ कौन है, छोटी सी नन्ही परी, हमारी माँ ही। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। ये है नॉडी दादा, माही के दादा। हाय बोलो, हाय बोलो। हाय। ये है तोजो, तोजो दादा। ये है माही के तोजो दादा, रिशान। दिखाते हैं आपको, दिखाओ। ये देखो ताका नॉडी, मजा आ रहा है नॉडी? कितना मजा आ रहा है। और ये नॉडी की मम्मी है, माही की मौसी जी। ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। नॉडी को उसका स्कूटी मिल गया है, और क्या चाहिए। नॉडी तो बहुत बिंदास है। यहाँ पे चलाओ, यहाँ पे नॉडी, नॉडी यहाँ पे चलाओ बेटा, यहाँ पे लेके आओ। अभी हम लोग थोड़ा घूमने निकले हैं, माही को लेके, नॉडी को लेके और तोजो को लेके। ये यहाँ पे टीवी देखना चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए शनाया, शनाया मैडम देख रही है टीवी। और आज हम लोगों का बिरयानी हो रहा है, आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। ये देखिए, फर्स्ट में मम्मी चिकन को आप फ्राई कर ले रहे हो। हाँ, उससे क्या होगा, टेस्ट और ज़्यादा होता है। ओ, फिर उसके बाद फिर मसाला से इसको फिर फ्राई करना है। अच्छा, चिकन बनाता है वैसे बनाना है, थोड़ा हल्का हल्का जब तली रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद बंद करके चावल के साथ मिक्स करके फिर सारे मसाला डाल के फिर उसके बाद आलू वगैरह डाल के फिर राइस को थोड़ा मिला के सब चिकन के साथ मसाला आलू सब कुछ मिला के एक साथ मिला के कुकर में डाल दीजिए। ओ, तो आप लोगों ने सुन लिया, ये है होममेड बिरयानी और कुकर बिरयानी, राइट? कुकर, हाँ, कुकर बिरयानी। ये मेरी मम्मी का फेवरेट है, हम लोग का भी फेवरेट है, मम्मी भी यही बनाती है। स्पेशली पापा को ये बहुत पसंद है, तो आज तो उनकी एनिवर्सरी है तो ये खाना तो बनता ही है। तो चलिए देखिए, ये मम्मी अभी फ्राई कर रही है, तो थोड़ी देर बाद अभी इसका दूसरा प्रोसेसिंग, सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत गर्मी है गाइस, अंदर में बहुत गर्मी है। मम्मी अंदर में चिकन बिरयानी बना रही है और मैं बाहर थोड़ा टहलने निकली हूँ। इतनी गर्मी लग रही है, शाम थोड़ा सूदिंग है, हवा दे रहा है। और सीरियसली आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, मम्मी हमारे लिए चिकन बिरयानी बना रही है, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बेचारे जो भी कुछ भी कोई भी इतना गर्मी में आपके लिए खाना बनाता है, उनको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से चिकन बिरयानी बनाना इज़ नॉट सो ईज़ी। और इतना टेस्टी, मेरी मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाती है, मुझे तो स्पेशली मम्मी का ही बना हुआ चिकन बिरयानी पसंद है। और मैं आपको दिखाऊंगी ये प्रोसेस, आप लोग वेट कीजिएगा ज़रूर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फिर से वो जो चिकन फ्राई किए थे वो देखिए, अभी फिर से मम्मी उसको कुक कर रही है, अभी थोड़ा मसाला वगैरह करके। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको थोड़ा सा और मसालेदार बनाना है इसे, आप और मसाला डाल के इसे देखिए अच्छे से थोड़ा भून लीजिए, फ्राई कर लीजिए। अब उसे यहाँ अलग से आलू भी मम्मी ने फ्राई करके रखे है, और ये देखिए चावल भी धो लिए गए हैं। अब बस इसे कुकर में डालेंगे मम्मी। अब ये देखिए, अब चावल और चिकन दोनों एक साथ मम्मी ने मिला लिए। अब इनको अच्छे से फ्राई, हल्का फ्राई करके एकदम डायरेक्टली कुकर में डाल देंगे, और फिर ये बन जाएगी होममेड बिरयानी, कुकर बिरयानी। रोज वाटर, ओ रोज़ वाटर वगैरह भी, वो सब आपको पता ही होगा बिरयानी में जो जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं। ये देखिए, इसमें पड़ रहे हैं बिरयानी के कुछ इंग्रेडिएंट्स। ये है
शाही बिरयानी मसाला। अब इसको मम्मी हल्के से फ्राई कर ले रही है, मिला ले रही है थोड़ा सा, देखिए ताकि हल्का सा चावल हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो अच्छा टेस्ट लगेगा। और वो मैं आपको बताती हूँ, जो पहले जो चिकन फ्राई किया है उससे क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है और खटनी भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टेस्टी हो जाता है बिरयानी, चिकन काफ़ी टेस्टी हो जाता है। इसलिए उसे पहले फ्राई कर लीजिए और फिर उसे फिर से ऐसे बना लीजिए ताकि टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो। इसके ऊपर बगल में मम्मी ने एक प्रेशर कुकर में गर्म पानी से बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है, हल्का गुनगुना रखेंगे इसमें, और इसमें घी डाल दिया है, देसी घी। और यहाँ पे ये बन गया है, और ये यहाँ पे बन गया है बिरयानी का पूरा ऑलमोस्ट रेसिपी। अब इसे कुकर में डालेंगे और बन जाएगा। और इसमें घी आपने क्यों डाला है मम्मी? क्योंकि पूरा चारों तरफ एक साथ हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा पिघल जाएगा आराम से, आपको अलग से फिर वो घी डाल के पूरा मिक्सिंग करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चावल वगैरह में सब में जहाँ जहाँ लगना चाहिए अच्छे से लग जाएगा। और उसका तो स्वाद और क्या बोले, वाह 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 वाह, आप खा के आपको पता चलेगा। चलिए अब इसको दिखाती हूँ मैं आपको कैसे इसमें डालना है, और फिर एकदम ईजी प्रोसेस में हमारी होम मेड प्रेशर बिरयानी बन जाती है। यहाँ तो देखिए गर्म हो रहा है पानी, हल्का हल्का गर्म हो रहा है। और ये बगल में एक छोटू सा आप एक प्रेशर कुकर देख रहे हैं, ये है हमारे नौडी दादा, माही के नौडी दादा का बिरयानी। इसमें बिना मिर्ची का बिना मसाला, हल्का हल्का थोड़ा सा एसेंस डाला है इसमें। बच्चों का भी दिल करता है ना, बड़े खाते हैं तो इसलिए बच्चों के लिए भी थोड़ा सा हल्का, ताकि उनका भी मन खुश रहे। की है मिर्ची, बिना मिर्ची। ओके इसमें डालने से पहले, ठीक है। अब पानी गर्म हो गया है और मम्मी इसमें ट्रांसफ़र कर रही है, इस तरफ से उस तरफ में ट्रांसफ़र कर रही है। इसे थोड़ा सा आप ऐसे मिला लीजिए ताकि अच्छा मिक्सचर बने और अंदर में अच्छे से सब मसाला जाए और घी भी सब जगह एकदम अच्छे से अंदर तक जाए। ये देखिए, ये है लास्ट प्रोसेस। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ, मम्मी उसमें पूरा मिला रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मम्मी ने मिलाया है रोज़ वाटर और एसेंस के लिए, और ये है मीठा अत्तर, ये मीठा अत्तर है अत्तर, और इसे मिला लीजिए। और मीठा अत्तर को आप थोड़ा सा मिल्क में मिला लीजिए, रोज़ एसेंस दो ढक्कन डाले हैं इसमें, और मीठा अत्तर एक ढक्कन डाल दिया है कप में, मिला के दूध में अच्छे से मिला दिया है ताकि अच्छे से एसेंस आ जाए। और भी ऐसे थोड़ा सा मम्मी मिला लेगी इसमें, और अभी लगने वाला है इस पर ढक्कन। और अगर किसी को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मिर्ची वगैरह चाहिए हो, थोड़ा स्पाइसी चाहिए हो, तो वो इसमें मिर्ची भी अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। अब मैं आपको एकदम पूरा जब हो जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी कि इसका कैसे आया है और कैसा टेस्ट हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी। अब ये लग गया है इसका ढक्कन, देखिए। ठीक है, देखा आपने, तो इसका ढक्कन लग गया है। तो हम लोग वेट करते हैं इस लाजवाब बिरयानी का, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये कैसा बना है, दिखने में कैसा लगता है और कैसा टेस्ट है, वो भी एकदम जेन्युइन रिव्यू दूंगी आपको। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वेट कीजिएगा इसका। फाइनली बिरयानी डन,
अब मैं आपको बताऊंगी कि ये डिलीशियस है या कैसा बना है, लेकिन देख के तो काफ़ी यमी लग रहा है। देखिए ये है मॉम मेड बिरयानी। कैसा हुआ बिरयानी नॉडी? हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या खा रहे हो बिरयानी साथ में? ये कोल्ड ड्रिंक्स? हाँ ओ ठीक है, तो तुम्हारा बिरयानी भी रिव्यू मिल गया है, बताया तुमने। तो ये था मेरा आज का दिन और बिरयानी काफ़ी अच्छी बनी है, उसके साथ बने हैं सैलड। तो चलिए मिलते हैं आपको कल, तब तक लिए गुड नाइट, बाय।